देखिए देखिए ये चुनाव उड़ीसा का अस्मिता का चुनाव है। मैं भी एक प्रदेश का मुख्यमंत्री हूँ, लेकिन मैं तो अकेला आया हूँ। मैं अकेला बात कर सकता हूँ, मैं लोगों से मिल सकता हूँ, लोग मुझसे मिल सकता है, जैसे आप लोगों से मैं अभी मिल रहा हूँ। लेकिन जो उड़ीसा का मुख्यमंत्री है वो अकेला किसी को मिल नहीं सकता है, अकेला लोगों से बात नहीं कर सकता है, और हर समय उनका साथ पंडियन रहते हैं। हमें मालूम करना पड़ेगा कि नवीन बाबू खुद पंडियन का साथ रहता है या पंडियन कुछ ऐसा खेल खेला है जिसका कारण नवीन बाबू पंडियन का जो एक ग्रीब है उनसे बाहर नहीं जा सकते हैं। मेरा तो मानना है कोई हाईकोर्ट का जज नवीन बाबू से अकेला बात करना चाहिए, क्या वो खुश है, क्या वो ठीक ठाक है। अगर कोई व्यक्ति मैं हाईकोर्ट का जज इसलिए बताया वो न्यूट्रल होगा, हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस या हाईकोर्ट का जज नवीन बाबू से अकेला 10 मिनट बात करना चाहिए। मैंने बीजेडी का जितना दोस्त को मैं जानता हूँ सबसे मैंने बातचीत किया, लास्ट 10 साल किसी ने भी नवीन बाबू को अकेले मिला नहीं है। जब भी मिलते हैं पंडियान साथ में रहते हैं और नवीन बाबू खाली ओके 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 यही सब बोलते हैं, उनका आगे वो कुछ नहीं बोलते हैं। अगर एक मुख्यमंत्री सांविधानिक पद में बैठा हुआ व्यक्ति एक होस्टेज सिचुएशन है, ये देश के लिए ठीक नहीं है, उड़ीसा के लिए ठीक नहीं है। तो चुनाव हो या ना हो, मेरा मानना है हमारे हाईकोर्ट का जज या चीफ जस्टिस साहब एक बार अकेले या तो गवर्नर साहब एक बार अकेले नवीन बाबू से बात करना है। आज जो हो रहा है वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है, ये नॉर्मल सिचुएशन नहीं है। नवीन बाबू खुश है तो हम भी खुश है, अगर नवीन बाबू ठीक ठाक है हम लोग हैप्पी है, लेकिन उनको देखने से मेरा नहीं लगता। आप देखिए माइक भी पकड़ रहा है पंडियान, बात भी करवा रहा है पंडियान, अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बात भी आ चुका है। सही है नहीं सही है मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन ये आना ये सब बात आना तो ठीक नहीं है। एक बार कम से कम नवीन बाबू अगर पंडियान को लगते हैं कि हम लोग थोड़ा ज्यादा बोल रहा हूँ, तो मैं पंडियान को ही रिक्वेस्ट करूंगा एक दिन आधा घंटा नवीन बाबू को उड़ीसा का प्रेस का साथ बात करने के लिए आप अकेला छोड़ दीजिए।